वेलकम बैक। इस क्वेश्चन में एक सॉल्यूशन है जिसमें दो लिक्विड है ए एंड बी। ए का मोल फ्रैक्शन 0.7 दिया हुआ है तो बी का मोल फ्रैक्शन 0.3 हो जाएगा। पी नॉट ए 170 बोला है एंड पी नॉट बी 280 बताया है। बोलता है टोटल प्रेशर ऑब्जर्व्ड इज 376 और क्वेश्चन पूछ रहा है दिस सॉल्यूशन इज एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। तो नॉर्मली वी नो डेल्टा एच मिक्सिंग, मतलब जब दो लोगों को मिक्स करते हैं अगर वो आइडियल सॉल्यूशन है तो हीट इज नाइदर इवॉल्व नॉर एब्जॉर्ब। तो मतलब अगर ये आइडियल होते तो ना ही एक्सोथर्मिक होता ना ही एंडोथर्मिक होता। पर क्वेश्चन एक्सो और एंडो पूछ रहा है तो मतलब ये आइडियल सॉल्यूशन नहीं है, ये डेविएट कर रहा है। तो देखो पहले हम लोग पता करेंगे डेविएशन क्या है, पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन। तो हम लोग टोटल प्रेशर पता करेंगे, पर देखो टोटल प्रेशर तो दिया हुआ है। देखो ये टोटल प्रेशर ऑब्जर्व है, दिस इज ऑब्जर्व टोटल प्रेशर, ये रॉल्स लॉ से नहीं आया, आपने मिलाया है और ये प्रेशर आपको ऑब्जर्वेशन के थ्रू आपने देखा। रॉल्स लॉ वाला टोटल प्रेशर निकालते हैं, पी टोटल इक्वल्स टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, ठीक है, दिस इज इक्वल। पी नॉट ए है 170 इंटू 0.7 प्लस पी नॉट बी 280 इंटू एक्स बी 0.3। तो इसको मल्टीप्लाई किए तो यहां आया 119 और यहां आया 84। दिस कम्स आउट टू बी 943 हो गया और यहां 20 हो जाएगा, तो 203 मिलीमीटर ऑफ HDI। दिस इज योर पी टोटल। तो आपका पी टोटल बेटा 203 आया और एक्चुअल पी टोटल कितना है ऑब्जर्वेशन के थ्रू 376। सो ऑब्जर्व प्रेशर पी ऑब्जर्व इज मोर देन पी थियोरिटिकल, थियोरिटिकल मीन्स रॉड्स लॉ से जोड़ा है, तो इंप्लाइज दैट पॉजिटिव डेविएशन, तो दिस इज पॉजिटिव डेविएशन। अगर पॉजिटिव डेविएशन होगा तो डेल्टा एच मिक्सिंग विल बी ऑल्सो पॉजिटिव, implies that it is absorbed. So solution is endothermic.